गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और जिसका हमने टॉपिक जो है लाइट एंड शेडो वो कवर अप किया था। आज इस वीडियो में हम पिनहोल कैमरा एंड मिरर एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पिनहोल कैमरा होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग वॉक पे जाते हैं या कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि फ्लोर पे, सड़क पे, ज़मीन पे छोटे छोटे हमें शेडोज़ दिखाई देती हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस हमें दिखाई देते हैं शेडो के। तो उसको हम लोग क्या वो जो शेडोज़ बनती हैं जिस तरह जिसकी हेल्प से वो बनती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन होल कैमरा। अब ये बनती कैसे हैं, जब हम लोग पेड़ देखते हैं तो पेड़ में जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, तो उन पत्तियों में स्मॉल स्मॉल गैप्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको बुक में पिक्चर भी है लाइक दिस। जैसे हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़मीन पे इस तरह की शेडोज़ देखते हैं जिसमें स्मॉल स्मॉल गैप्स प्रेजेंट होता है। ये गैप क्यों बनता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे स्मॉल गैप्स होते हैं और उन्हीं गैप्स के कारण ये जो इमेजेस हैं ये बनती हैं ज़मीन पर। तो जो वो गैप्स होते हैं वो गैप्स जो हैं लीव्स के बीच में वो एज अ पिन होल कैमरा काम करते हैं, और ये जो है एज अ पिन होल कैमरा की जो इमेजेस बनती हैं ये चीज़ होती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आपको एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे कि पिन होल कैमरा बनता कैसे है। अगर आपको घर पे बनाना है या आपको घर पे ट्राई करके देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कार्डबोर्ड लेने हैं, दो बॉक्सेस लेने हैं कार्डबोर्ड के। तो एक बॉक्स थोड़ा बड़ा साइज़ का होना चाहिए दूसरे बॉक्स से। तो आपको क्या करना है, उन बॉक्स के एक एक साइड से उसको काट देना है, एक साइड से मतलब वो ओपन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एक बॉक्स में जो आपका बड़े वाला बॉक्स है उसके एक एंड पे आपको एक होल करना है इस तरह से, और जो छोटे वाला बॉक्स है उसके एक एंड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर कट लगाना है 5 to 6 सेंटीमीटर नियर अबाउट। आपको यह मेंशन भी किया गया अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर आपको एक कट लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, जो ये छोटे वाला बॉक्स है उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर उसको पुश करेंगे इस तरह से, ताकि छोटे वाला बॉक्स जो है बड़े वाले बॉक्स के अंदर चला जाए। फिर आप क्या करेंगे, एक ब्लैक कपड़ा लेंगे और ये जो आपने स्क्वायर बनाया है इसको ट्रांसलूसेंट कोई स्क्रीन से या ट्रेसिंग पेपर से जैसे होता है तो उससे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेंगे, क्लोथ लेंगे, ताकि जैसे आप अपना अपने हेड को इस चीज़ में एंटर करेंगे और अपने हेड को एक ब्लैक कपड़े से कवर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है, होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लोथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। तो आप क्या करेंगे, अपने हेड को और पिन होल कैमरा को एक ब्लैक कलर के कपड़े से कवर कर लेंगे। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। तो आप इस कैमरा इस होल की हेल्प से आप ट्राई करें कि जो दूर पड़ी चीज़ें हैं या पेड़ हो गया या कोई बिल्डिंग होगी तो उसको आप इस पिन होल कैमरा की हेल्प से उसको देखने की कोशिश करें। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन अ ब्राइट सनशाइन। आपको ये ज़रूरी करना पड़ेगा कि जो आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक ब्राइट लाइट में होनी चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। और आप ये जो स्मॉलर बॉक्स है इसको तब तक आप इसको एडजस्ट करिए जब तक आपके पास ट्रेसिंग पेपर के ऊपर एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देने ना लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप घर पे जो है पिन होल कैमरा जो है वो आप उससे डिफरेंट डिफरेंट शेडोज़ जो है वो देख सकते हैं। सो पिन होल कैमरा क्या है, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर। नेचर में एक बहुत इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है जो मैंने आपको भी बताया लीव्स वाला, कि जो पेड़ की लीव्स होती हैं उनमें जो गैप्स होते हैं वो एज अ पिन होल कैमरा हम लोग उसको बोल सकते हैं। व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ द लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ द सनलाइट अंडर इट। जब भी हम लोग शहर पे जाते हैं और किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हम लोग ज़मीन पे क्या देखते हैं, स्मॉल पैचेस देखते हैं सनलाइट के। दीज सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। और जो वो सर्कुलर इमेजेस बनती हैं ज़मीन पे वो क्या होती हैं, सर्कुलर इमेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, पिन होल इमेजेस होती हैं।
सन की, एंड द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज अ पिन होल, और जो गैप्स होते हैं लीव्स के बीच में वो एज अ पिन होल हमारा वर्क करते हैं लाइक दिस. अ नेचुरल पिन होल कैमरा पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री. एक और एक्टिविटी आपको बता रखी है यहाँ पे जिसकी हेल्प से आप लोग पिन होल कैमरा मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप एक क्या करेंगे, पीस लेंगे पाइप का या कोई लॉन्ग रबड़ का, तो आप एक दूरी पे एक डिस्टेंस बना के कैंडल रखेंगे तो, और उस कैंडल को जब जगा के उसको एक जगह पे फिक्स कर देना, फिर उसको जो पाइप हो या रबड़ आप यूज़ कर रहे हो उसके एक एंड से आप उसको देखने की कोशिश करो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं या खुद से ट्राई करेंगे एक बारी. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, हम लोग घर पे मिरर यूज करते हैं. जो मिरर में हम खुद को देखते हैं तो वो क्या होता है, नथिंग बट द रिफ्लेक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. इसके मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताती हूँ. फर्स्ट वन इज व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस अ पार्ट ऑफ इट बाउंसेज ऑफ, दिस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. द बाउंसिंग ऑफ द लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब भी लाइट जो है एक सरफेस पे गिरती है उसका कुछ पार्ट जो है बाउंस ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है. और दिस बाउंसिंग ऑफ द लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन. और जो बाउंस ऑफ होने के बाद डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये जहाँ पे जो जाती जहाँ पर भी ये जाती है उस वहाँ पे क्या बनती है हमारे पास, एक रिफ्लेक्शन बन जाती है लाइट की. सेकेंड इज ऑल द सरफेस रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट लाइट. हर एक सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट जो पॉलिश्ड सरफेस होता है लाइक दोज ऑफ द मेटल एंड द ग्लास, दीज रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन अदर्स. इन भी बहुत अच्छी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर. मिरर्स आर मेड ऑफ द पॉलिश्ड ग्लासेस विद अ लेयर ऑफ द मेटल. जो मिरर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो किससे बने होते हैं, पॉलिश्ड ग्लास से बने होते हैं, बट उनके ऊपर एक लेयर होती है मेटल की, सिल्वर या एल्यूमिनियम मेटल यूज़ करते हैं मोस्टली एट द बैक. जो मिरर्स हम लोग घर पे यूज़ करते हैं आगे ग्लास लगा होता है बट उसके पीछे एक सिल्वर या एल्यूमिनियम का मेटल लेयर जो है वो लगी होती है. द मेटल लेयर इज़ द मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. वही जो है वो मेन लेयर मेटल लेयर जो है वही मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, जिससे हम लोग अब रिफ्लेक्शन देखते हैं. द ग्लास लेट अस सी द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन. और जो ग्लास जो होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, जो इमेजेस बनती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन की मदद से जो इमेजेस बनती है वो ग्लास की हेल्प से हम लोग देख पाते हैं. जो मिरर में हम लोग अपने आप को देखते हैं तो वो ग्लास की वजह से ही दिखती है. दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है. एक्टिविटी में आपको क्या करने को बोला गया है कि आपको एक फ्रेंड्स के साथ आप किसी डार्क रूम में जाइए. एक स्टूडेंट जो है वो टॉर्च से जगाएगा, सेकेंड वन जो है वो मिरर लेके खड़ा हो जाएगा, और एक अदर कॉर्नर पे आपका थर्ड फ्रेंड खड़ा होगा. एक स्टूडेंट टॉर्च जगाएगा, जो टॉर्च की लाइट है वो ग्लास के ऊपर पड़ेगी, ग्लास पे जब पड़ेगी तो यहाँ से बाउंस ऑफ होके ये इस साइड जाएगी. उसने पहले इस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, अब डायरेक्शन जो है वो लाइट की चेंज हो गई. अब चेंज होने के बाद जहाँ पे लाइट पड़ रही है तो ये क्या होगी, इस लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. नेक्स्ट है एक्टिविटी. फिक्स अ कॉम्ब ऑन द साइड ऑफ द लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड. एक कॉम्ब लेनी है एक साइड पे ऑफ द लार्ज थर्मोकोल शीट लेके उसकी एक साइड पे हमने क्या करना है, कॉम्ब लेनी है और एक मिरर जो है उसकी अदर साइड पे फिक्स कर देना. इस तरह एक थर्मोकोल की शीट ली, एक साइड पे कॉम्ब फिक्स किया, दूसरी साइड पे क्या करना है, मिरर लगा देना. स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ द पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब. एक डार्क कलर्ड पेपर शीट लेनी है, उसको मिरर और कॉम्ब के बीच में स्प्रेड कर देना है. कीप दिस इन द सनलाइट और सेंड द बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द कॉम्ब. अब टॉर्च लेके या सनलाइट की बीम अगर इस तरह एडजस्ट करो कि सनलाइट पड़े उस पर, या आप टॉर्च की हेल्प से भी एक बीम ऑफ लाइट जो है उसको पास करवाना है, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास इस तरह से एक पैटर्न बनेगा, क्योंकि कॉम्ब की शेडो बन रही है और मिरर की है, कॉम्ब की जो शेडो है वो मिरर पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ये अपनी एक और इमेज देगी, तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा. या आप एक्टिविटी खुद से भी घर से ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो फिनिश होता है. थैंक यू क्लास.